सेफ सिटी पुलिस के हवाले से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दैट दे हैव डन दिस ऐप। जिस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर किया, एक औरत अगर ट्रैवल भी करती है तो वो उस रूट को चेक कर सकती है कितना डेंजरस है बिफोर शी स्टार्ट्स टू ट्रैवल। दिस एप्लीकेशन प्रोवाइड्स दिस सॉल्यूशन एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर पार्टनरशिप विद पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी in upgrading the software, the application, and then by also providing capacity building support in psychosocial support, support and referrals to other services as well. हमारे पास भी एक हॉटस्पॉट्स डेवलप होने शुरू हो गए कि इस जगह से बच्चियां बार बार रिपोर्ट कर रही हैं, यहाँ पे जाके देखा जाए, जायजा लिया जाए कि यहाँ पे पुलिस को प्लेस करने की ज़रूरत है, क्या इशू आ रहा है। बाज़ केस में हो सकता है कि आपको कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाए जिसमें आपको घर से निकाल दिया गया है या कैसा है, शेल्टर होम्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारा पंजाब कमीशन ऑफ स्टेटस है वुमेन की पूरी सर्विसेज हैं जो उनका 1043 नंबर है। हमारे पास अच्छी खासी तादाद ऐसी जिन्होंने चैट के जरिए भी हेल्प मांगी, लेकिन 15 पे तो एक नंबर है, यूनिवर्सल नंबर है जिसके जरिए हमें रेगुलरली बच्चियाँ, खवातीन जो वर्किंग वुमेन है, घरेलू खवातीन है, वो चाहे इस एप्लीकेशन की वजह से या अदरवाइज भी हमसे राबता करती है और पुलिस की रिस्पॉन्स उनको टाइमली यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम वक्त के अंदर पहुंचाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर बख्त और आप देख रहे हैं पीएससीए टीवी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में और यहां पर पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन की अवेयरनेस कंपेन का इफ्तिताह किया जा रहा है। ये इफ्तिताह बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर साहिबा कर रही है और इस मौके पर यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का एक वफद भी मौजूद है जिसकी सरबराही कंट्री रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर बख्तियार कैदिरोफ कर रहे हैं। इस अवेयरनेस कंपेन में मुख्तलिफ एनिमेशन वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज और ट्यूटोरियल वीडियोस के थ्रू ख्वातीन को आगाही दी जाएगी और इस हवाले से मुख्तलिफ अदारों, यूनिवर्सिटीज में सेमिनार्स का भी इनेकाद किया जा रहा है। वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन को ख्वातीन ने कितनी पजीराई मिली और हमारे मौजूद मेहमान इस बारे में क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। वेलकम टू द शो। जी नाज़रीन, इस मौके पे मेरे साथ बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, इस मौके पे बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। मैडम, वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन के हवाले से बहसियत खातून आप कैसे देखती हैं इसे और आप क्या कहेंगी कि कितनी मौसर साबित हो रही है ख्वातीन को तहफ़ देने के हवाले से? सबसे पहले तो मैं जो हमारी सेफ सिटी पुलिस के हवाले से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दैट दे हैव डन दिस ऐप। जिस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर किया, एक औरत अगर ट्रैवल भी करती है तो उस रूट को चेक कर सकती है कितना डेंजरस है बिफोर शी स्टार्ट्स टू ट्रैवल, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अभी इनको कह रही थी दूसरे मुल्क भी हमसे सीख सकते हैं, तो जब ये डेवलप हो जाएगा हम दूसरे मुल्कों के साथ भी शेयर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगी, इन्होंने कहा द वुमेन आर आवर प्रायोरिटी, क्योंकि जितनी देर तक हम अपनी बहनों को, माओं को, वो उनकी सिक्योरिटी उनको नहीं महसूस होगी, वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। एंड हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, हमारी बहनें बाहर निकलें, हमारी माएँ बाहर निकलें, अपना रोज़गार भी चलाएँ और कमाएँ, क्योंकि अनटिल आवर वुमेन कैन अर्न वी कांट चेंज द इकॉनमी, वी कांट चेंज the way women live in today's society, so coming first of all it needs to be safety. So I'm very pleased you jo aap bana, to mere khayal se ye bahut der pehle ban jana chahiye tha, but I'm honored that it's been done and I congratulate them for the work that they have put into making this up.
मैडम, ख्वातीन को क्या मैसेज देंगी इस एप्लीकेशन को लेकर, वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन को लेकर, और सबसे ज़्यादा उन्हें बैकअप किस तरह करेंगी कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इसे डाउनलोड करें? उनको मैं ये कहूँगी भी इसको डाउनलोड कर लें, हो सकता है बाज़ हमें ना ज़रूरत पड़े, बट इट विल गिव अस अ सेफ्टी नेट। हमें ये होगा भी अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमारे पास ये ऐप है, हम उसको बटन प्रेस करेंगे तो फौरन हमारे लिए हेल्प आ जाएगी। तो मैं सबको कहूँगी इसको डाउनलोड करें और इसको अपने हर वक्त साथ कैरी करें ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसको प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। व्यूअर्स, वी हैव मिस्टर बख्तियार कदिरोफ, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड विद अस। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। सर, माय क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन इन दिस डिजिटल एज? Technology provides us with a solution to ensure women's and girls' access to safety without further harm. It's very essential. The second one, the safety application provides safe spaces for women and girls, which are essential for their socio-economic participation, for pursuing their education and employment goals, which is essential for the well-being of communities, individuals, communities, and nation at large. So this is the centrality of this application, because it allows women to participate actively in the socio-economic life as well, being sure that there will be no harm, or being sure that they will be safe in cities, markets, shops, and other public spaces. Therefore, this application provides this solution, and we are proud of our partnership with Punjab Safe City Authority in upgrading the software, the application, and then by also providing capacity building support, in psychosocial support, and referrals to other services as well. But we also need to provide additional services, because we need to link to the application shelter, safe houses as well, and also we need to provide capacity building support to police, and we will be working together on the SOPs as well, standard operating procedure for the police. And I think our partnership will continue, and it will expand, and also link up the software application to essential services, life-saving services. This is, I think, our partnership will continue. Do you think that this particular application will help in changing the perception of women's safety and gender mainstreaming in Pakistan? Yes, I believe so. Yeah, but also as our partners noted, so it is just the first stage as first responders. But again, the first responders need some support. There should be more services available, and then also follow up to cases, and also supplementary services to support the application. So, and then also in addition to basic psychosocial support at the first stage, but the first responders, there should be advanced psychosocial support, clinical management, any other kind of support required by victims of gender-based violence, for example. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. जी नाज़रीन, आज अवेयरनेस कम्पेन वुमेन सेफ्टी ऐप के हवाले से उसका इफ्तिताह किया गया। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी DAG कामरान खान साहब, उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या सोच थी कि ख्वातीन के तहफ़ुज़ के लिए एक ऐप को लॉन्च किया जाए? देखिए, बुनियादी तौर पे जो इसका आइडिया था, हमारे पास जो 15 की कॉल्स आती हैं उसमें ख्वातीन की भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं आते कि हमारे पास जो कॉलर है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आ जाए। और 15 का बुनियादी मकसद यही है कि एमरजेंसी में आपको रिस्पांस टाइम, मिनिमम रिस्पांस टाइम में आपको रिस्पांस दी जाए, आप तक पहुंचा जाए और आपकी मदद की जाए, जो भी जिस मुश्किल में भी है। तो ख्वातीन के बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते थे जिसमें अभी वो अंडर थ्रेट होती थी और ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ भी नहीं होता था, और वो इतला दे रही हैं और आप टाइम पर नहीं पहुँच पा रहे और वो इंसिडेंट हो जाए, तो वो फ़ायदा क्या हुआ इतला देने का? तो हम चाहते थे किस तरीके से हमें इसके इनके कोऑर्डिनेट्स मिल रहे। तो एप्लीकेशन के जरिए बेसिकली हमने कोशिश ये की थी कि जहाँ से भी हमें कॉल ख़वातीन करेंगी इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए, इसका इस्तेमाल करते हुए, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और हमारा रिस्पांस टाइम उससे बहुत बेहतर हो जाएगा, और हुआ भी इस दौरान में। इसमें फिर वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी और जो हमें फीडबैक आई उसमें हमने कई लेसन लर्न किए। उसमें ये भी इशू सामने आया कि बाज़ जो हमारी यंगर जनरेशन है,
वो कॉल करने के नस्बत चैट करने को ज़्यादा फेमिलियर है, या कुछ सिचुएशन ऐसी सामने आई कि जिसमें अगर वो कॉल करती खातून बच्ची जिसको कोई प्रॉब्लम थी और वो उठा के मोबाइल कान से लगाती या इतला देती कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो शायद वो जो थ्रेट फील कर रही है वो अगर नहीं भी हुई तो वो रियलिस्टिक हो जाती है, सॉल्व हो जाती, कुछ भी हो जाता। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने फिर उसमें चैट का फीचर दिया, चैट में भी इनकॉर्पोरेट किया कि चैट के जरिए भी करें तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएँ और हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाए और हम उसको फौरी तौर पर रिस्पॉन्स वहाँ पर डायरेक्टेड रिस्पॉन्स पहुँचा सकें। बुनियादी मकसद ये बुनियादी मकसद। लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें जो फीडबैक आई, बहुत सारे लोगों ने उसमें कोलैबोरेट किया, अच्छे मशवरे दिए, उन चीज़ों को हम इनकॉर्पोरेट करते गए, उसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स भी ऐड हो गए, उसमें लोकेशन का भी एक ऐड हो गया कि वो अपनी उसको मार्क कर सकती हैं लोकेशन को, कहीं विजिट किया किसी बस स्टॉप को, किसी शॉपिंग मॉल को, किसी स्ट्रीट को, चाहे वो अंधेरे की वजह से हो, रात को गुजरते उनको डर लग रहा है तो वो समझती हैं कि यहाँ पर थ्रेटन फील करती हैं, तो उस जगह को मार्क करते जाएँ। उसका दो तरह से फ़ायदा हुआ कि एक तरह तो ये कि जो बाकी खवातीन ने बच्चियों ने इसको इस्तेमाल करना था उनको पहले से इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इस रूट पर इस लोकेशन के ऊपर कोई ना कोई थ्रेट पिछली खवातीन ने रिपोर्ट की हुई है, तो उनको यहाँ पर केयरफुल रहने की ज़रूरत है, अकेले जाना है तो कैसे होना है, साथ किसी के जाना है या किन टाइमिंग्स में जाना है, वो थ्रेट हो सकता है रात के अंधेरे की वजह से शाम को आ रही हो, दिन में वहाँ पे कोई थ्रेट ना हो, ये सारी चीज़ें। एक तो खवातीन जो एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगी उनको मूवमेंट के दौरान ये चीज़ें पता लग गई। दूसरे हमारे पास भी एक हॉटस्पॉट डेवलप होने शुरू हो गए कि इस जगह से बच्चियाँ बार बार रिपोर्ट कर रही हैं, यहाँ पर जाकर देखा जाए, जायजा लिया जाए कि यहाँ पर पुलिस को प्लेस करने की ज़रूरत है, क्या इशू आ रहा है, या स्ट्रीट लाइट्स का इशू आ रहा है कि रात को गुजरती हैं तो वहाँ पर बेसिकली स्ट्रीट लाइट नहीं है, इसको अंधेरे की वजह से डरती हैं तो कोई भी खड़ा हो तो समझती है कि वो उनको हरास करेगा या हरास कर रहा है, तो वो चीज़ें सारे इरिटेंट्स हमें भी पता लगने शुरू हो गए, तो हम वो इरिटेंट्स भी रिमूव साथ साथ कर सकते हैं और रास्ते में जहाँ पे खवातीन मूव करती हैं उसको सिक्योर कर सकते हैं। इस फीडबैक का ये फ़ायदा भी हो गया हमें इसमें। और इसमें जो और एक जो चीज़ हुई जो खासतौर पे मोटरवे इंसिडेंट के बाद हुई कि ये सामने आई कि एमरजेंसीज आपस में इंटीग्रेटेड नहीं है, हमने इसी ऐप के जरिए मोटरवे को, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को और 112 को, कई ऐसे इंसिडेंट में जहाँ पे एम्बुलेंस चाहिए या साइमल्टेनियसली पुलिस भी चाहिए एम्बुलेंस भी चाहिए, वो सारे इंटीग्रेट कर दिए हैं। तो इसी एप्लीकेशन के जरिए आप साइमल्टेनियसली कोई भी अगर आपको इसमें से एमरजेंसी है कहीं पे भी फेस कर रही है, लोकेशन ऐसी है, तो आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ केसेस के अंदर आपको कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, इमीडिएट एमरजेंसी रिस्पॉन्स नहीं चाहिए कि पुलिस पहुँचे आपको छुड़ाए या कोई आपके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, आपके साथ एक कॉन्टीन्यूस एक इशू चलता है और आप उस पर गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो हमने पंजाब कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन को उसके साथ इंटीग्रेट किया है, उनके साथ कलेबोरेशन किया है, उनकी अपनी एक पूरी टीम बैठी हुई होती है जो लीगल असिस्टेंस दे रही होती है, साइकोलॉजिकल असिस्टेंस दे रही होती है। बाज़ केस में हो सकता है कि आपको कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाए जिसमें आपको घर से निकाल दिया गया है या कैसा है, शेल्टर होम्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारा पंजाब कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की पूरी सर्विसेज हैं जो उनका 1043 नंबर है, वो इंटीग्रेट किया ताकि हमारे पास कॉल आ जाए या तो हम उनको गाइड करके उस तरफ कर दें या उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको गाइड करके उनसे कनेक्ट कहीं ना कहीं से रिलीफ जरूर मिल जाए आपको। अच्छा सर, ये सारा कॉन्सेप्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है और अभी भी कुछ चीजें जो हमें मुफीद आवाम की तरफ से, खवातीन की तरफ से, जो इसके यूजर हैं उनके जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी तरफ से कोई इश्यूज आएंगे तो इसमें इनकॉर्पोरेट होते चले जाएंगे। और इससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि जो पुलिस है जो वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगी तो वो उनका बिहेवियर कैसा है, वो वहाँ पे उनको प्रॉपर हैंडल करते हैं नहीं करते, इसमें आईजी साहब ने, पंजाब पुलिस ने इसकी ओनरशिप ली हुई है और उसमें प्रॉपर एसओपीज आईजी साहब ने बनवाई हैं और तमाम एप्लीकेशन का दायरा अख्तियार पूरे पंजाब में, तो पूरे पंजाब में तमाम DPOs को जो है इसकी SOPs अप्रूव करके भिजवाई जा रही हैं जिसके अंदर उनको बाकायदा जो रिस्पॉन्डर हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, उनको DPOs कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे सुपरवाइज करेंगे, उन इलाकों में इस एप्लीकेशन की तशहीर कैसे होगी, वो पूरी SOPs बनाई गई हैं, पूरा एक मैकेनिज्म उसमें डेवलप किया गया है और वो दिया गया ताकि ये चेक रखा जा सके जो पुलिस है वो भी प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करे, सेंसिटाइज हो बाकायदा कि खवातीन के क्या इशूज़ हैं। और बाज़ ऐसे नहीं होगा जैसे 15 पे कोई क्राइम हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है फिर आप रिस्पॉन्ड करते हैं, इसमें सिर्फ खतरा फील हो रहा होगा फिर भी आपको प्रोएक्टिव अप्रोच भी हो सकता है। प्रोएक्टिव अप्रोच की बात है। सर क्या रिस्पांस आ रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल फोन स्मार्टफोन्स हैं ख्वातीन के पास, क्या रिस्पांस आ रहा है ख्वातीन की तरफ से इस एप्लीकेशन को लेके? जी देखें, ज़्यादातर तो रिस्पांस जो हमने अभी तक ऑब्जर्व किया उसमें वर्किंग वुमेन इसमें ज़्यादा इसको इंक्लाइंड है इस तरफ पे, जो पढ़े लिखे हैं इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि डोमेस्टिक वुमेन जो हैं घरेलू खवातीन है वहाँ तक भी चीज़ पहुँचे, जो इलिटरेट खवातीन हैं उनके लिए भी है, अगर इसमें डाटा कनेक्शन नहीं है उनके पास तो ऑफलाइन भी वो 15 पे कॉल कर सकती हैं, इस एप्लीकेशन के जरिए भी 15 ऑफ डाटा कनेक्शन के बगैर इवन बैलेंस के बगैर आप कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है ये। तो एक तो चीज़ ये है, दूसरा जो हमने देखा पढ़ी लिखी खवातीन में, हमें एक तो चैलेंज आ गया फौरी तौर पर कोविड का, इस एप्लीकेशन की कंपेन भी इसीलिए डिलेड हुई, हमने अपने सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसमें बड़ा कॉपरेट किया, उनके ज़रिए इसको हमने डिसेमिनेट किया खवातीन तक, लेकिन चूँकि तालीमी इदारे बंद थे
यूनिवर्सिटीज़ बंद थी तो बच्चियों तक नहीं पहुँचा, थोड़ा सा एक पीरियड बीच में आया जिसमें फरवरी और मार्च के जिसमें तालीमी इदारे खुले, फिर कोविड से दोबारा, उस दौरान में हमने आउटरीच प्रोग्राम लाहौर की इतनी तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी टीम्स वहाँ पर गई, इसके कैसे इंस्टॉलेशन करनी है, इसके क्या फ़वाद हैं, इसके कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, तो हमने जब उसको डिसेमिनेट किया वहाँ पर फैकल्टी को और बच्चियों को, इसके ऊपर सेमिनार्स हुए और उनकी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन थी, एप्रीहेंशन थी, मिसकनसेप्शन थे, वो सब दूर किए गए, खतरा फियर्स दूर किए गए, तो एकदम हमारे पास ये इसका इंस्टॉलेशन का जंप आया और हम कोई जो हम पिछले 8-10 महीनों से सिर्फ 10,000 पे खड़े हुए थे, एकदम 40-42,000 से ऊपर बच्चियों ने इसको इंस्टॉल किया है, उसको यूज़ कर रहे हैं, फिर इसको टेस्ट भी उन्होंने बेताशा तबाह किया, चैट पर भी टेस्ट किया, चैट पर हमारे पास प्राइमरीली ज़्यादा जो हमें एंगेज किया गया वो इसको टेस्ट करने के लिए किया गया, ठीक है, बट हमारे पास अच्छी खासी तादाद ऐसी जिन्होंने चैट के जरिए भी हेल्प मांगी, लेकिन 15 पे तो एक नंबर है, यूनिवर्सल नंबर है जिसके जरिए हमें रेगुलरली बच्चियाँ खवातीन जो वर्किंग वुमेन है, घरेलू खवातीन है, वो चाहे इस एप्लीकेशन की वजह से या अदरवाइज भी हमसे रब्ता करती है और पुलिस की रिस्पॉन्स उनको टाइमली यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम वक्त के अंदर पहुँचाएँ। सर एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, सर क्या चैलेंजेस दरपेश हैं स्टिल अभी तक? देखिए जी, हम मुसलसल उनसे फीडबैक लेते रहते हैं और इसमें जो जो चीज़ें भी एप्लीकेशन में अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, बाद का टाइम को टेक्निकल चोट सी आ जाती है, जैसे SMS कोड जाना है, वो किसी वजह से स्टक हो गया, कैसे करना है। इसके अलावा ये बात भी मैं बताता चलूँ कि ये जो पूरा है वुमेन प्रोटेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसका ये एक पार्ट है, ये उसका प्रीलूड है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि जी उन्होंने इतला दी और हमने उसको रिस्पॉन्स को जनरेट किया शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। मेन मकसद यही था कि रिस्पॉन्स उन तक पहुँच जाए। इसके बाद जो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे जो रिस्पांस देने जा रहा है उसको भी सेंसिटाइज होना है, उसको भी उसकी ट्रेनिंग भी हम कर रहे हैं। UNFPA के साथ हमारा इसमें एक हुआ है, उसमें आउटरीच प्रोग्राम है पुलिस के साथ मिलकर, जैसे मैंने SOP में कहा भी, SOP जो हमने IG साहब के हुक्म से बनी है उसमें भी मेन फोकस यही है कि पुलिस सेंसिटाइज हो खवातीन के इशूज़ के हवाले से और वो उसी तरह जैसे नॉर्मल क्राइम में जाकर वो रिस्पॉन्स देते हैं उस तरह न दें, बल्कि उनकी ट्रेनिंग जो हो रही है उसके हिसाब से वो खवातीन के इशूज़ को मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर उनको अच्छी उसका रिस्पॉन्स दें और उनके इशूज़ समझें। वो तो ये चैलेंजेस उस तरह चैलेंज नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ है, देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है, नए कॉन्सेप्ट को रूट्स पकड़ते हुए और प्रॉपर रिफाइन होते हुए टाइम लगता है। तो इनिशियली चीज़ें हमने टेक्नोलॉजी में हमें भी हुई, रिस्पांस में भी बाज़ुकात हो जाएगा कि किसी ना किसी वजह से हो सकता है 100% जो हमने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम है, कोई भी रीज़न टेक्निकल रीज़न या और रीज़न हो सकती हैं, बट जनरली जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जितने कुछ छोटे मोटे टेक्निकल या अदर चैलेंजेस इसमें हमें फेस करने पड़े वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें सारे उनके मशवरे से, उनके ऑब्जर्वेशन से, उनकी फीडबैक से हमने इसमें रिमूव कर दी हैं, लेकिन ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें ट्रेनिंग्स जा रही हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से, जेंडर सेंसिटाइजेशन के हवाले से ट्रेनिंग चल रही हैं और ये थोड़ा सा हमें इसमें वक्त चाहिए होगा जिसमें हम सारे सेंसिटाइज होकर और एक बिल्कुल परफेक्ट किस्म की रिस्पॉन्स लेवल हम इसको अब जनरेट कर सकेंगे। सर आपको भी फीमेल्स भी देख रही होंगी, मेल हजरात भी देख रहे होंगे, सर क्या मैसेज देंगे इस एप्लीकेशन को लेके? फीमेल्स तो इसे डाउनलोड करें और मेल हजरात को आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे उन्हें इस एप्लीकेशन को लेके? देखिए एप्लीकेशन है बुनियादी तौर पे खवातीन की मोबिलिटी को सिक्योर करने के लिए, घरों से घर में भी और घरों के बाहर अपने तालीमी इदारों में, अपने वर्क प्लेसेस पे जहाँ पे काम कर रही हैं, किसी हवाले से पढ़े लिखे हैं गैर पढ़ी लिखी नहीं भी हैं, तो एक तो उनको मूवमेंट को सिक्योर करने के लिए क्या क्या, तो उसमें मर्द हजरात का जो सुन रहे हैं, जो इसकी नॉलेज रखते हैं, वो चाहिए कि अपनी खवातीन को, चाहे वो घरेलू हैं या कॉलेज में जा रही हैं, उन बच्चियों को दें। इसमें हमने कोई फैसिलिटी ये भी दी हुई है कि अगर बच्चों को खतरा महसूस होगा बच्चियों को, तो उसमें साइमल्टेनियसली वो अपने घर वालों को भी लाकर देना चाहें, उसमें हमने मैंडेटरी नहीं किया हुआ। बाज़ुकात ऐसे भी होता है कि मेरे घर वालों को पता लग गया तो हो सकता है मुझे घर वाले आइंदा जाने ना दें, तो इस खतरे के तहत कुछ खवातीन नहीं भी करेंगी, लेकिन जो समझती हैं कि उनके घर वाले उनको फुली सपोर्ट करते हैं और घर वालों को उनकी जो मोबिलिटी है उसको उनकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए, इनक्रेज करना चाहिए, तो उसमें वो नंबर उनको साथ साइमल्टेनियसली, जिसका बर्डन हम खुद उठा रहे हैं, हमारी तरफ से कैसे मैसेज चला जाएगा कि आपकी बच्ची को इस जगह पर कोई ज़रूरत है तो आप भी उसको पता कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, पुलिस तो कर ही रही है। तो ये इसमें फीचर है, उसमें ईमेल के जरिए भी मैसेज जा सकता है, उसमें SMS के जरिए भी मैसेज जा सकता है। तो मर्द हजरात भी, खवातीन हजरात भी, जो उनकी खवातीन खुद या जो उनकी बच्चियां, बहनें, बेटियां बाहर शहर में जाती हैं, देहातों में जाती हैं, कहीं भी बाहर निकलती हैं घरों से या गाँव में रहते हुए भी, उनको वैसे हालात का सामना हो सकता है, फोरसी करते हुए इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल रखें और एक टच के साथ, एक बटन के साथ वो इसमें पुलिस की मदद को ले सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अब पंजाब भर में ख्वातीन बासानी इस एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन्स में इंस्टॉल कर सकती हैं। गूगल प्ले स्टोर पे भी ये एप्लीकेशन अवेलेबल है और एप्पल ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान उमर बख्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।